हाय फ्रेंड्स, आप लोग को सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे सबके दिन और दीपावली अच्छे से जाए। फ्रेंड्स, ये कितने दिन से देख रहा हूँ कि ये स्कूबीडू वाला नहीं जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं और सबके बारे में बोल रहे हैं ये गलत है, ये सही है, ये वो सही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिए हैं कभी? वो बंदा एक वीडियो में पहले बोलता है भोला सोला फ्रॉड है, पेड़ सिला फ्रॉड है, सौरभ डॉ कनल फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। वो एक सही है और उसने खुद बोला हुआ था उसी की वीडियो में कि मैंने भी ये लाइन में ब्रीडिंग लाइन में आना चाहता था और भोला सोला से डॉग लिया, उसके बाद वो 22 दिन 25 दिन के बच्चे भी बेचे हैं। तब अच्छा, तब वो क्या बचपना था क्या उनका? 3 साल में मैच्योरिटी हो गए वो, और 3 साल पहले जो थे वो बचपना था उनका। और ऊपर से बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, हम सेवा, वही वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो 2-3 बिजनेस है, मैं सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करता हूँ, मेरे को कोई पड़ी नहीं है कमा के, कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, और उसी वीडियो में फिर बोलते हैं कि भाई मेरे को मतलब किसी को सेवा करने की फुर्सत नहीं है, कोई सेवा करना चाहता ही नहीं चाहिए, चाहता ही नहीं है। हाँ, और अपने पे ही मतलब सब अपने पे अपना कमाने में ही लगे हुए हैं, किसी को सेवा करने की टाइम ही नहीं है। उसी वीडियो में वही बंदा बोल रहा है। तो गाइस, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक हो, समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद दिमाग को पूछो, इधर उधर की बात मत डालो। ये तो व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कोई डॉक्टर को उठा लिया, अच्छा इन्हीं की वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं आप ही लोग को। तो इन्हीं की वीडियो में जो है इन्होंने क्या बोले कि कोई डॉक्टर को लाए, बोले कोई रॉड व्हीलर की ब्रीडर थे भाई साहब, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनको पूछे तो उन्होंने बोले कि भाई साहब हम जो पेट के डॉक्टर होते हैं उन्हीं को पर्सनल हम लोग इन्वाइट करते हैं, वो हमारी मतलब फैमिली मेम्बर की तरह ही, कोई भी डॉग को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो ये लोग देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं करके। और आप लोग ये सोचो कि ये ब्रीडर लोग के पास जा जा के वो करते हैं, फिर वो ब्रीडर लोग को वो जो उन्हीं इनके जो डॉक्टर बनाया हुआ है वही डॉक्टर के पास उनकी वीडियो फिर दो दिन चार दिन के बाद फिर वीडियो बताते हैं कि डॉक्टर को ये जो इंजेक्ट कैसे किया जाता है, माइक्रोचिप कैसे इंजेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है। तो फ्रेंड, ये लोग तो जो डॉक्टर वो ब्रीडर के पास था वो तो बेचारा अपना हाथ से काम से हाथ धो बैठा, इनको तो किसी को पड़ी नहीं है किसी की, बस अपना चाहो, अपना व्यू बढ़ाओ, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाओ और सब कुछ करो। तो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सेवा करने वाला कोई बंदा होता ना तो वो जाके अपना जो देश की जवान है उन्हीं की सेवा करता, देश की जो इतने सारे गरीब लोग हैं उन्हीं का सेवा करता। ये यूट्यूब पर चैनल बना के इसको पकड़ के 2,500 के चक्कर में या 1,000 के चक्कर में कोई नहीं पड़ता दोस्त। जाहिर सी बात है, ये जो डॉग जो भी रखता है वो शौक के लिए रखता है, ठीक है, और वो बंदे को 2-400 रुपये का, किसी को भी हो 200-400 रुपये का घाटा होता है या तकलीफ होती है, तो तकलीफ ज़रूर होती है क्योंकि सबकी मेहनत की पैसा होता है, लेकिन वो बंदे में उतना होता है कि वो सहन कर सकता है। और सेवा की बात करते हैं, सेवा जाके देखो कितने लोग भूखे सोते हैं, किसी को खाना खिलाया है किसी दिन? अपना देश की जवान कितना तकलीफ में रहते हैं, कितना तकलीफ झेलते हैं, किसी को किसी दिन पानी की बिस्लेरी की बोतल दिया एक ठोक, पूछो उसको। बात करते हैं सेवा की, बात करते हैं ये लोग। तो गाइस, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिसको जहाँ मर्जी हो, जहाँ मन हो, जिस पे ट्रस्ट हो उसी से लो वेट आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों से बचो। आज ये खड़ा हुआ है, कल दूसरा और कोई खड़ा होगा, परसों तीसरा और कोई खड़ा होगा, और बिना बवाल किए, बिना ये लोग किए आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनको पता है कि अगर हम डायरेक्ट चैनल खोलते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने वाले है नहीं, ना कोई व्यू आने वाला है, इसकी वजह से ये लोग ये सब चालू कर रहे हैं।
वीडियो लोग है, वीडियो लोग आना नहीं चाहते। क्यों आना नहीं चाहते भाई? वो अपना अपना अपने काम से खुश है, अपना सब कुछ कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। और ये बात करते हैं भोला सेला के, भोला सेला के फ्रॉड के, भोला सेला नंबर वन ब्रांड है, ये वो है भाई, वो जो भी हो अपने दम पे ही है ना। फ्रॉड किया है तेरे से, अगर फ्रॉड किया है तो जाके तू सीधा केस कर ले, केस करके बोल दे कि मेरा ये चीज़ हुआ है करके। और ये वो है फलाना टिकना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सर, ये सब बोलने से वो क्या उन लोगों की बिजनेस बंद हो जाएगी? फ्रेंड्स, जिसकी किस्मत में जितनी लिखी है और जिसको जितना मिलना है वो ऊपर वाला देके ही रहेगा, चाहे ही यहाँ से नहीं कहीं और से सही देगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, किसी के दिल को कोई तकलीफ पहुँचाने की मकसद नहीं है मेरा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपना पब्लिक है ना, सब जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी कुछ ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ किसी ने बोल दिया तो माइंड पे लेते हैं, वो माइंड पे रख के फिर बोलते हैं कि शायद गलत हो सकता है, सही हो सकता है। तो फ्रेंड, वो जाहिर सी बात है आपका होना ही है, वो चीज़ होके ही रहेगा। तो मैं भी अगर मैं किसी की वीडियो देखूंगा करूंगा तो मेरे को भी ऐसा लगेगा, अरे ये बंदा तो सब सही बोल रहे थे, ये ऐसा निकला। तो जब तक अपन उससे डील नहीं करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा अगला बंदा कैसा है। तो किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे मत जाओ, किसी की बात मत सुनो। आप लोग जाओ डायरेक्ट, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो उसी पे जाओ, बंदे को मिलो, देखो, परखो, उसकी बात पेमेंट करो, पप्पी लो, आपको समझ में आता है तो ऑनलाइन लो, नहीं तो फिर आप खुद रूबरू जाओ, कोई मना नहीं करता आपको। कहीं से भी जाओ, कहीं भी, किसी के पास भी जाओ, आप देख के लो, कोई मना नहीं करता आपको। ठीक है, ओके गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं और कुछ बोलने नहीं चाहूँगा। मैं ज़्यादा दिन से सोच रहा था कि